डेट के लिए बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो मुझे लगा आपको कुछ चीज़ें क्लियर कर देना बहुत ज़रूरी है अभी से। पहली बात तो अभी यार आप देख रहे हैं आज ही यूपी में लॉकडाउन पड़ चुका है 7 दिन का, भी ये लॉकडाउन पर लॉकडाउन चलता रहेगा, ठीक है। जैसे तारीख पर तारीख मिलती है, अभी ये लॉकडाउन पर लॉकडाउन चलता रहेगा, क्योंकि अब चुनाव हो चुके हैं, सारी चीज़ें हो चुकी हैं, तो सरकार को अब लगाती रहेगी, ठीक है। तो आप समझ लीजिए पूरा मई आपका लॉकडाउन रहेगा, इस बात को अच्छे से समझ लो। उसके बाद धीरे धीरे स्थिति कंट्रोल होगी। पहले न्यूज में आ रहा था कि जून में आप लोगों की परीक्षा, लेकिन अब कतई नहीं होगी, ठीक है, जून में कोई परीक्षा नहीं होनी है, ठीक है भाई। तो जून हो गया, जुलाई आपका, मिड जुलाई तक ऐसी ही स्थिति रहने वाली, जुलाई क्या पता लास्ट भी हो जाए, ठीक है। जुलाई तक हम लोग पहुंच गए। अब आता है अगस्त, अगस्त और सितंबर। अगस्त में अब जब भी चीजें नॉर्मल होगी तो पहले यूपी बोर्ड की परीक्षा कराई जाएंगी, ठीक है, नीट वीट और ये जितनी परीक्षाएं संडे जो आपको दिखेंगे खाली, सेंट्रल लेवल की पहले परीक्षाएं होंगी, ठीक है, आईआईटी जेईई ये जिनकी है, ये सारी परीक्षाएं पहले कराई जाएंगी, ठीक है। उसके बाद कहीं आपका नंबर है, और उसी टाइम जूनियर शिक्षक भर्ती भी होनी है, कई सारी वैकेंसी और भी इनकी लटकी हुई है, तो वही आप मान चल के चलिएगा सितंबर, ठीक है भाई। सितंबर अक्टूबर क्या पता नवंबर भी चला जाए, कोई ऐसा क्लियर नहीं मैं बोल रहा हूँ, लेकिन जो आपको स्थिति है कि इन इन महीनों में तो बिल्कुल नहीं हो सकता आपका, जुलाई अगस्त तक आप पहुंच चुके हैं, बचा सितंबर अक्टूबर नवंबर, इनमें चांसेस बनते हैं। और वो भी जैसे अगर हालात मैंने कहा जुलाई तक कवर हो जाते हैं तब ठीक है, थोड़ा सा भी ग्राफ हल्का सा कम हुआ है दिल्ली वगैरह में, ठीक है, तो वही चीज है, धीरे धीरे कम होगा, धीरे धीरे हम लोग उस पर पकड़ बनाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद अब ये तारीख है आपकी खाली बच रही, मतलब इस महीने में होने की चांसेस, तो आप लोग पढ़ते रहें, ठीक है, अपनी पढ़ाई जारी रखें। कंपटीशन है, आप ये ना सोचे कि 9,500 वैकेंसी, ये सब कुछ मत दिमाग में रखो, अपने आप को एक्सीलेंस एक्सीलेंस की ओर ले जाएं, ठीक है, कि आप लोग अपने किसी भी सब्जेक्ट में अच्छा करना है, ठीक है, चाहे वो हिंदी हो, जीके हो, मैथ हो, सभी में अच्छा स्कोर करने की कोशिश करिए। बाकी जो इस चैनल से हो सकता है आप लोगों को प्रोवाइड कराया जा रहा, बहुत ही जल्द आप लोगों को प्रैक्टिस सेट मैं कराने की कोशिश करूंगा मैथ का, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस सेट कराऊंगा, ज्यादा आप पढ़िए कहीं से भी लेकिन प्रैक्टिस करिए यहीं से, ठीक है, वो टैगलाइन भी हम लोगों की रहेगी। तो प्रैक्टिस पर हम लोग ज्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, बिल्कुल सही बात है, प्रैक्टिस ही काम आती है, ज्ञान काम नहीं आता है, क्योंकि आप लोगों का ऑनलाइन एग्जाम। तो उम्मीद करता हूँ मेरी बात आप अच्छे से समझ गए होंगे कि यार जो आपकी एग्जाम डेट यहाँ पर, और जो भी अक्टूबर या ये सब बोल रहे हैं कि नवंबर होगा, किसी को कुछ कन्फर्म नहीं, पहले मैं बता दूं रियलिटी, ठीक है, तो ये सब बेवकूफी के चक्कर में कतई मत पड़ो, मैं तुम्हें रियल बात बता रहा हूँ जो रियलिटी है, ठीक है, उस बात को समझो जो तुम अपने आसपास देख रहे हो, वो चीज एनालिसिस करो जो है ही नहीं। मैं तो ऐसे कॉल रिगार्डिंग किसी की भी यार, कॉल रिगार्डिंग पर तो किसी दिन बहुत खुलकर बोल दूंगा, जो ये वायरल हो रही फर्जी की, इस पर बहुत ही जल्द आप लोगों को बताऊंगा किसी सच्चाई क्या है जिसका आप लोग गुमराह किए जा रहे हो, ठीक है, बड़ा आसानी से आप लोग गुमराह होकर फिर मुझे कमेंट कर रहे हो कि सर उसका रिगार्डिंग में ये बोला गया ये बोला गया, ठीक है, उस पर मैं बहुत ही जल्द बात करूंगा। जुड़े रहिएगा मैं तो सर दोस्तों, और लाइक शेयर और कमेंट, कोई भी आपका डाउट हो तो कमेंट दोस्तों जरूर करो, आपका जवाब वहीं दिया जाएगा, वहां नहीं तो आपको वीडियो बनाकर जरूर दिया जाएगा, या आप पहले यूपीएसआई 2021 की प्लेलिस्ट में जाकर सब कुछ देख सकते हैं, अगर आपको मिल जाए आपकी मतलब की चीज तो वहीं से निपटा लो, नहीं तो आप बताओ कि सर मुझे ये समस्या है, तो मैं आपको जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए जुड़े रहिएगा मैं तो इसी विचार में।